देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है। 21 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति उम्मीदवार है। 21 तारीख को देश को अगला राष्ट्रपति मिलेगा। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। उनके पास संविधान की तरफ से काफी शक्तियाँ होती है। उनके एक हस्ताक्षर से कानून बन जाते हैं तो रद्द भी हो जाते हैं। लेकिन इसी एक हस्ताक्षर से भारत के एक नागरिक ने राष्ट्रपति भवन को ही बेच दिया था। जिस नागरिक की हम बात कर रहे हैं वो है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल। ये नाम ठगी की दुनिया में अजर अमर हो गया। इस नाम के मुहावरे कहावते आज भी लोगों की जुबान पर गाहे बगाहे आती रहती है। नटवर लाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार राष्ट्रपति भवन, दो बार लाल किला और तीन बार ताजमहल को ही बेच डाला। यहाँ तक कि संसद को भी ऐसे समय बेच दिया जब सारे सांसद वहीं मौजूद थे। संसद भवन को बेचने के लिए तो जरूरी दस्तावेजों पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नकली हस्ताक्षर तक कर दिए और विदेशियों से रकम बैठ ली। कहते हैं एक बार पड़ोस के गांव में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवर लाल को उनसे मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा, यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत पर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। मिथिलेश कुमार का जन्म 1912 में बिहार के सीवान में हुआ था। उसने सबसे पहली चोरी उस दौर में 1000 रुपए की थी। अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकाले थे। नटवर लाल का हुनर ऐसा था कि वो एक ही नजर में किसी के भी हस्ताक्षर कर लेता था।